नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर उपायुक्त विजया जावद ने आज लगातार दूसरे दिन देर शाम साक्षी बाजार का दौरा कर वहां की सुविधाओं को सुधार करने की दिशा में मुआयना किया। ठेले कोमचे एवं दुकानदार उपायुक्त को देखकर अपनी दुकानें समेटने लगे जिन्होंने सड़क जाम कर रखा था। वो कंप्लेन थी कि फुटपाथ का बाजार दिक्कत कर रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही खराब है और हम ही लोग बराबर को इसके पूर्व डीसी को भी हम लोग सूचना देते थे और खबर करते थे कि भाई इस तरह का घटना घट रहा है। कल मैडम तीन चार एक हफ्ता से मैडम साक्षी बाजार के पीछे लगी हुई है और उसके करें आपका रिजल्ट उसको मिला। देखिए आप वो पत्ता मार्केट जो है वो किस तरह से साफ हो गया और उसका ब्यूटी निश्चित रूप से एक आवाजमन जो है वो स्मूथ होगा, तभी लोग बाजार में आ पाएंगे। तो ऐसी साक्षी बाजार के अंदर का भी है तो फुटपाथ का ही मामला है भाई। फुटपाथ को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिस्टम से लगाइए, रोड का इंक्रोचमेंट नहीं किया। अभी एक तो नया बात हम लोगों को समझ में आया कि जो एंट्री पॉइंट है वो सब पर सब बैरियर लगा देगा। तो मैडम से मैंने बहुत प्यार से बात किया और मैडम ने बहुत ही सकारात्मक उसका जवाब दिया कि हमने कहा उनको कि भाई 250 घर यहाँ पर है जिसमें सीनियर सिटीजन की संख्या ज़्यादा है, तो बोला किसी को भी हम तकलीफ नहीं होने देंगे, मैडम का ये जवाब था। तो हम बोला मैडम हम देखिए रोड में आपसे बात नहीं करना चाहते, हम आपसे बात करेंगे ऑफिस में आके, आप हमको टाइम दीजिए। कल मैडम ने हमको टाइम दिया 4 बजे के बाद, तो हम निश्चित रूप से उनका क्या योजना है बाजार के प्रति और हम लोग क्या चाहते हैं ये हम लोग एक तो निष्कर्ष निकाल के ये काम करेंगे। अगर बाजार का बेटर फिटमेंट के लिए मैडम का कोई कदम है तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे और जहाँ हम लोग को तकलीफ होगा, हम लोग को कोई दिक्कत होगा तो नेचुरल है हम लोग जो GST पे करने वाले हैं, इनकम टैक्स पे करने वाला है, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे शहर के अभिभावक है DC, निश्चित रूप से उनके पास हम लोग कंप्लेन रखेंगे और उन्होंने भी उसको सॉल्व करने का बात किया। अभी आपके सामने देखिए चाहे EDM साहब हो चाहे मैडम हो, एकदम बोलिए बोला किसी को भी हम तकलीफ नहीं होने देंगे। तो हम लोग आशावंतित है और कल उनसे मिलेंगे और हम लोग बाजार की जो भी बातें हैं उनके समक्ष रखेंगे और उनकी क्या योजना उनको भी जानने का कोशिश करेंगे। अकोमोडेट किया जाएगा, लोग अंदर ही आएंगे, पार्किंग करेंगे, शॉपिंग करने के लिए यहाँ से 40 कदम सामने जाना है बस, और वापस आके अपना खाना खाने का काम जो है उनका, जिसको जो खाना है उस तरह से खाएंगे और वापस जाएंगे। सो एक इंटीग्रेटेड वे में उसको करना है हमको। क्योटिक कंडीशन जो हो गई है, लोगों से इस इनिशिएटिव का काफ़ी स्वागत हो रहा है। जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है हम उनको बुला रहे हैं, आप आइए बात कीजिए, बैठिए, सब चीज़ें संवाद से ही सॉल्व होती हैं। मगर किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया जाए या किसी चीज़ का कम्प्लीटली विरोध नहीं किया जाए, यही मेरा कहना है। सिटी में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, दुकानें वही की वही है, लोग उसी मार्केट में आने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्री जितना साफ सुथरा या जितना व्यवस्थित रहेगा उतना आने में भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग भीड़ को देखते हुए या ये केओस देखते हुए भी आना अवॉइड करते हैं, तो ये तो और अच्छा होगा ना कि जब चीज़ें सुधर जाएंगी या व्यवस्थित रहेंगी, डिसिप्लिन वे में रहेंगी तो लोगों का आने का मनोबल बढ़ेगा। पार्किंग के जगह पे पार्किंग लगाएंगे तो लोगों को एक विश्वास रहेगा कि मेरी गाड़ी कहीं बाहर नहीं है या कोई उठा के नहीं लेके जा रहा है या कोई डैमेज नहीं हो रही है। एक ही जगह पे 50-60-70 गाड़ियों में अगर खाने के आइटम्स मिल रहे हैं, खाऊ गली टाइप अगर यहाँ पे मार्केट के सामने डेवलप हो रहा है तो वो खाने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर रहे हो तो उसका हाइजीन साफ़ सफाई भी हमारे सारे लोगों के नज़र में आएंगे, तो ज़्यादा कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कस्टमर्स कम होने वाले या किसी के व्यापार पे कोई असर पड़ने वाला है। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन कि हमको ये डिसिप्लिन अपने खुद के लिए और लोगों के लिए फॉलो करना है। अपना चल रहा है बट बाकी लोगों को, आम जनता को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक मायोपिक व्यू नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।